जरा अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। देखने में ये ऑब्जेक्ट आपको किसी डॉग के हड्डी जैसा लग रहा होगा, लेकिन असल में ये कोई बोन नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम 216 क्लियोपेट्रा है और इसे 10 अप्रैल 1880 को ऑस्ट्रिया के एक एस्ट्रोनॉमर जोहान पेलिसा ने खोजा था। ऐसा माना जाता है कि पास्ट में ये दो अलग अलग एस्ट्रॉइड एक दूसरे को ऑर्बिट करते थे, लेकिन फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण ये दोनों आपस में जुड़ गए और इस इलोंगेटेड एस्ट्रॉइड का फॉर्मेशन हुआ। 216 क्लियोपेट्रा 217 किलोमीटर लंबा है और इसके दो चांद भी है। आपने प्लैनेट्स के चांद के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन सोलर सिस्टम में इन एस्ट्रॉइड के भी चांद होते हैं। वैसे जब हम स्पेस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में विशाल और गोलाकार ऑब्जेक्ट्स का एक ख्याल आता है, लेकिन हमारे यूनिवर्स में ऐसे ऐसे शेप्स के ऑब्जेक्ट्स भरे हुए हैं जिनको देखकर आप हैरान हो जाओगे। आपने इंटरनेट पर डोनट शेप वाली धरती की फोटोज तो जरूर देखी होगी। जाहिर सी बात है कि ये फोटोशॉप्ड होती है, लेकिन साइंटिस्ट की माने तो साल 2019 में एक रिसर्च के अनुसार डोनट शेप के प्लैनेट का होना टेक्निकली पॉसिबल है और यूनिवर्स में ये कहीं ना कहीं तो जरूर होंगे। किसी भी प्लैनेट के स्फेरिकल शेप के पीछे उसकी ग्रेविटी होती है जिसकी डायरेक्शन हमेशा उसके सेंटर की ओर ही रहती है, लेकिन अगर ये प्लैनेट अपनी एक्सिस पर लिमिट से ज्यादा फास्ट रोटेशन करता है तो यही ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी सेंटर से बाहर की तरफ धकेलने वाले फोर्स में बदलकर डोनट शेप प्लैनेट का फॉर्मेशन कर सकती है। ऐसे प्लैनेट्स पर ग्रेविटी बहुत ही अजीब होगा। इसके इक्वेटर यानी प्लैनेट के बीच वाले एरिया पर ग्रेविटी इतनी कम होगी कि आप यहां अंतरिक्ष की तरह हवा में तैर पाओगे और पोल्स पर ग्रेविटी बिल्कुल इसका उल्टा होगा, यानी यहां आपके लिए जंप करना तो दूर ठीक से हिलना भी मुश्किल हो जाएगा। नवंबर 1884 में न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पब्लिश हुई थी। स्विट्जरलैंड के एक एस्ट्रोनॉमर ने नेपच्यून की ऑर्बिट के पार एक स्ट्रेंज प्लैनेट खोजने का दावा किया था। उसके अनुसार वो प्लैनेट क्यूब शेप का था और उसके मुताबिक उसने क्यूब प्लैनेट को अच्छे से ऑब्जर्व भी किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस द क्यूबिकल प्लैनेट को वायरल कर दिया और दुनिया भर में ये खबर तेजी से फैल गई। लेकिन बदकिस्मती से इस क्यूबिकल प्लैनेट के कोई भी सबूत आज तक नहीं मिले। प्लैनेट जैसे बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी को बैलेंस में रखने के लिए सबसे अच्छा शेप राउंड होता है और यही रीजन है कि ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट एक ही शेप के होते हैं। लेकिन एक क्यूबिकल प्लैनेट पर जीने का एक्सपीरियंस आखिर कैसा होगा, चलिए जानते हैं। 6 एजेस वाले इस प्लैनेट पर आपको हर जगह डिफरेंट ग्रेविटी देखने को मिलेगी। ये नुकीले एजेस धरती के एटमॉस्फेयर को काफी नुकसान पहुंचाती और एटमॉस्फेयर भी आज की तरह ठीक नहीं रह पाता। अलग अलग ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक कंडीशन के चलते इस क्यूबिकल प्लैनेट के किनारे पर रह पाना इम्पॉसिबल होता। 1950s के समय स्कॉटलैंड मूर नाम के एक इंसान ने दावा किया कि उसने धरती के पास वाले एक सोलर सिस्टम में क्यूबिकल शेप वाले एक प्लैनेट को खोजा है। सिर्फ यही नहीं, उसने वहाँ रहने वाले लोगों से टेलीपैथी के जरिए बात भी की। उसने इस प्लैनेट का नाम ये बताया जिसे मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, मगर इसका मतलब जरूर बता सकता हूँ। तो इस शब्द का मतलब होता है मर्सी यानी कि दया। मून ने इस प्लैनेट और यहाँ की चीजें और साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में बहुत कुछ बताया था और उनके कई सारे डिटेल स्केचेस और मैप्स भी तैयार किए गए थे। हालांकि इस प्लैनेट के बारे में कोई सबूत के साथ इन्फॉर्मेशन आज तक नहीं मिला। 19 अक्टूबर 2017 को हवाई के पैन स्टार्स टेलीस्कोप से एक क्यूकम्बर शेप के ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया गया था। इसे रॉबर्ट रिक ने खोजा था और इसका नाम ओमोमुआ रखा गया। इसकी लंबाई 100 से 1000 मीटर के बीच थी और ये रेड कलर का दिखाई दे रहा था। लेकिन इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का था ही नहीं। इसके ऑर्बिट को ट्रेस करने पर पता चला कि ये हमारे सूरज को ऑर्बिट ही नहीं करता, यानी कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था। कुछ साइंटिस्ट इसे सोलर सिस्टम के बाहर से आया एक ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो कुछ लोग इसे एलियंस का यूएफओ भी बताते हैं जिसे हम इंसानों पर नजर रखने के लिए भेजा गया होगा, क्योंकि ना तो ये कोई एस्ट्रॉइड या फिर कॉमेट जैसा दिखता है और ना तो इसके साथ यूएफओ के शेप का कोई लिंक है। वेल, हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने दावा किया है कि ओमोमुआ कोई एस्ट्रॉइड या कॉमेट नहीं बल्कि एक रोग प्लैनेट का हिस्सा है। उनके अनुसार ये रोग प्लैनेट कुकी शेप का था जो किसी एस्ट्रोनॉमिकल घटना में दो टुकड़ों में टूट गया और उसी का एक टुकड़ा ओमोमुआ है। हालांकि इसके ओरिजिन के बारे में फिलहाल हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। दोस्तों, जब भी हम नीलम पत्थर जैसा कोई प्रीशियस जेम्स देखते हैं तो हमें इसमें कई सारे बेहद खूबसूरत कर्व्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके कर्व्स बिना तराशे हुए भी शानदार दिखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट के एक एस्ट्रॉइड 3749 बलम की।
इसे 24 जनवरी 1982 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडवर्ड बोयल ने खोजा था। 4.1 किलोमीटर के डायमीटर का ये एक स्टोनी फ्लोरा एस्ट्रॉइड है। इसकी सरफेस पर हमें कई सारे कर्व्स दिखाई देते हैं, जैसे कि किसी ने इसे बेहद खूबसूरती से तराशा हो। हालांकि आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से नेचुरल है और इस एस्ट्रॉइड के दो चांद भी डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनका डायमीटर 1.66 और 1.84 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड में मौजूद इन अजीबोगरीब शेप्स के ऑब्जेक्ट में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।